हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो ये है हिंदी प्रश्नोत्तर का भाग 5। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ, या समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं जो कि आने वाली भर्ती परीक्षा है समूह गौ की भी, जैसे आपका ग्रेजुएट लेवल की है या इंटर लेवल की है, तो वहां पर भी हिंदी पूछी जानी है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है, वे अपनी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं कुछ हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूं महत्वपूर्ण, और आप भी इसे नोट करते रहेंगे साथ ही, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप प्रश्न सुनेंगे, उसके बाद आप खुद भी नोट करते रहेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न यह है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। तो यहां पर कौन सा कारक है? देखिए, यहां पर से आया हुआ है, तो यहां पर कौन सा कारक होगा? ए कर्ता कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपदान कारक, या डी कर्म कारक। तो देखिए, इसके लिए आपको जो आपकी विभक्ति है, कारक है, वो पढ़ने होंगे। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, ये सारे आपको एक बार याद करने होंगे जो भी आपके हिंदी के कारक हैं 8। तो देखिए, जब अलगाव का हमें कहीं पर पता चलता है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं से अलग होता है, अपना स्थान बदलता है, वहां पर हमेशा होता है अपदान कारक। जैसे यहां पर गंगा हिमालय से निकलती है, तो वो कहां से निकल रही है? हिमालय से, हिमालय से अलग हो रही है, तो वहां पर क्या आएगा आपका? अपदान कारक। अगर बात करें एक और उदाहरण की, जैसे विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है विद्यालय जाता है, तो विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है, यानी कि देखिए पहले घर में था, वहां से वो कहां चले गए? स्कूल। यानी कि यहां पर हमें क्या पता चला? अलग होने का पता चल रहा, यानी कि वो स्थान छोड़ रहे हैं। तो यहां पर आपका आएगा अपदान कारक, तो से है इसका चिन्ह। अगला है दूसरा प्रश्न, निम्न में से अघोष व्यंजन चुनिए। देखिए, आपको हिंदी वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों पढ़ने हैं बहुत ही डीप, तो यहां पर अघोष व्यंजन आपको चुनने हैं। ए चौछ, बी जझ, सी डढ़, या डी ध। तो देखिए, अघोष और दूसरा होता है आपका सरघोष, तो उसके लिए आपको पहले इनका क्रम याद होना चाहिए, जो उच्चारण स्थान के आधार पर इनका है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। तो आपको ये क्रम याद कर लेना है, और भी है नीचे को, लेकिन अभी लोग इतना ही देखेंगे। तो देखिए, जो आपके व्यंजन के होते हैं अलग अलग, इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं उसके आधार पर अलग अलग क्रम में रखा गया इन्हें, जैसे कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, इस तरह से। तो इसके आपके देखिए जो भी ग्रुप है उसके शुरू के जो दो व्यंजन होंगे वो होंगे आपके अघोष। कौन से होंगे? अघोष। और बाकी बचे जो 3 हैं, ये 3 होंगे आपके घोष। क्या होंगे आपके? घोष या सघोष। शुरू के 2 अघोष, लास्ट के 3 घोष या सघोष, घोष भी कह सकते हैं इसे। तो अब यहां पर देखेंगे कौन सा है, तो यहां पर हम देखते हैं कि च छ आपके अघोष हैं, तो च छ हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा ज झ ये आपके सघोष हैं, ड ढ ये भी सघोष हैं, और द ध जो इसके नीचे आते हैं वो भी क्या है? सघोष है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए च छ। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत्य व्यंजन है, ए क, बी थ, सी ड, या डी प। तो देखिए, व्यंजन उनके जो उच्चारण हमारे स्थान होते हैं अलग अलग होते हैं व्यंजनों के, तो उसके आधार पर आपने बताना है कि इसमें से दंत्य व्यंजन कौन सा है। तो चलिए उससे पहले एक बार ये क्रम देख लेते हैं। ट ढ ण के बाद आता है त थ द ध न प फ ब भ म। चलिए इतना ही देखते हैं, इतने में से ही है। अब देखिए क्या है क्रम, आपको याद रखना है कांता मधुघोष, एक है कांता मधुघोष, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे जो भी क्रम है। देखिए, कांता मधुघोष में कौसे हो गया आपका? कंठ्य, सबसे पहला क्या आ गया? कंठ्य। ता, ता से हो गया तालव्य, जो चौछ है आपका क्या हो गया? ये तालव्य हो गया।
म द में म से हो गया मूर्धन्य मूर्धन्य, टठ आपका क्या है मूर्धन्य, म के बाद द है, द से हो गया आपका दंत्य जो हमारा क्वेश्चन है। तो दंत्य में देखिए कौन सा है, त थ द ध न, ये आपके दंत्य व्यंजन है। तो यहाँ पर त थ द ध में कौन सा है थ, तो हमारा थ बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे ही हो बचा है, हो से होता है होठ, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होगा ओष्ठ, ओष्ठ है होठ, यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है होठ, जैसे प फ ब भ म। तो कांता मधोस ये व्यंजन की जो उच्चारण स्थान है उसके ट्रिक याद करने का एक तरीका है, केवल ये केवल ट्रिक है। तो हमारा आंसर हो गया दंत थ। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, ज्ञ व्यंजन का सही वर्ण विच्छेद क्या है। तो जो आपका ज्ञ है इसका सही वर्ण विच्छेद क्या है, ए ग य अ, दूसरा है ज य अ, तीसरा है ग य अ और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, ये एक संयुक्त स्वर है और इसका देखिए सही जो वर्ण विच्छेद है वो है आपका वी ज लंग य लंग और अ। कई बार क्या होगा आपको केवल ज हलंत के नीचे खाली यह दे दिया होगा, तो ये भी सही है क्योंकि अगर हलंत लगा है तो स्वर अलग कर दिया, हलंत नहीं लगा है तो स्वर इसी में है, तो ये भी सही है ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो जो संयुक्ताक्षर होते हैं आपके व्यंजन में चार कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका स्र त्र ज्ञ और एक होता है क्ष, ये होते हैं आपके अलग अलग आपके संयुक्त व्यंजन। तो इन्हें आप एक बार इनका वर्ण विच्छेद कर लीजिएगा। चलिए अगला है मैं भी दिल्ली जाऊंगा, वाक्य में भी व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए व्याकरण आपको थोड़ा डीप पढ़नी होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें भी क्या है, ये जो भी है तो क्या है, ए विशेषण, बी निपात, सी विशेष्य या डी उपमा। तो देखिए भी यहां पर है आपका निपात, तो निपात क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं वाक्य के अर्थ को और ज्यादा प्रबलता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए अगर यह होता मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा एक सामान्य हम वाक्य कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें निपात जोड़ दें भी, तो ये क्या हो गया पक्का हो गया, यानी उसे और मजबूती मिल गई, बल मिल गया उस वाक्य को, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। तो ये होते हैं आपके निपात। अगला है आपका छठा प्रश्न, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा। देखिए आदिकाल जो भी आपके चार काल हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य आदिकाल पूर्व मध्य मध्यकाल उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो देखिए जो आदिकाल है आपको आपका जिसे वैसे दीर्घाथा काल भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है आदिकाल को वीरगाथा काल भी से कहा जाता है। तो आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा, ए धीरेन्द्र वर्मा, बी प्रोफेसर वासुदेव सिंह, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी राहुल सांगत्यायन। तो देखिए जो हमारा सही आंसर है उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो वो है बी प्रोफेसर वासुदेव सिंह, इन्होंने कहा आदिकाल को उद्भव काल। इसके अलावा देखिए धीरेन्द्र वर्मा थे, इन्होंने आदिकाल को क्या कहा अपभ्रंश काल, इन्होंने क्या कहा अपभ्रंश काल, ये भी देखिए सभी महत्वपूर्ण है कोई भी पूछ सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था बीज वपन काल, क्या कहा बीज वपन काल। राहुल सांकृत्यायन का कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, तो इन्होंने कहा सिद्ध सामंत काल, इन्होंने क्या कहा सिद्ध सामंत काल। तो हमारा जो आंसर है उद्भव काल वो किसने कहा प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने, तो वो बिल्कुल सही है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, ए स्वयंभू, बी हेमचंद्र, सी रामसिंह या डी सोमप्रभ सूरी। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अपभ्रंश इसके जो प्रथम महाकवि है वो किन्हें माना जाता है स्वयंभू जी को। स्वयंभू जी जिनकी एक रचना भी है काफी प्रसिद्ध पौनचर्यु, यदि आप ध्यान दीजिएगा पौनचर्यु किसकी रचना है स्वयंभू की, और ध्यान दीजिएगा जो स्वयंभू जी है इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए कई सिद्धांत है आपके काव्य सिद्धांत, ये काव्य शास्त्र से प्रश्न है तो एक ना एक पूछा ही जाएगा। तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं
ए आनंदवर्धन, बी कुंतक, सी भरत मुनि या डी वामन। तो वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया? कुंतक ने। बात करें वामन का, वामन का है रीति सिद्धांत, आनंदवर्धन का है ध्वनि सिद्धांत, और भरत मुनि ये सिद्धांत इन्होंने दिया था अपने नाट्य शास्त्र में। अगला है प्रश्न संख्या 9। देखिए आपके जो एलडी की भर्ती परीक्षा होगी, उम्मीद है एक ना एक ये पंक्ति इस तरह की पूछी जाएगी, किसी भी काव्य शास्त्री से संबंधित उन्होंने जो भी पंक्ति दी। तो यहां पर है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये परिभाषा किस आचार्य ने दी, किसने दी? ए आचार्य विश्वनाथ, बी दंडी, सी भामह या डी कुंतक। तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ये है आपके भामह जी की, जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। बात करें अगर बाकी और यहां पर आचार्यों की, तो जैसे आचार्य विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने कहा था, जो आचार्य विश्वनाथ जी हैं इनकी पंक्ति भी कई बार पूछी जाती है, तो इन्होंने कहा था रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ ने। दंडी का भी कई बार पूछा जाता है, तो इन्होंने कहा था शरीरा तावदिष्टार्थे व्यवचिन्ना पदावली, तो ये किसने कहा था? दंडी जी ने कहा था। लेकिन शब्दार्थ सहित काव्यम किसने कहा था? भामह ने कहा था। अगला प्रश्न है काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति है, किसका कथन है? देखिए एक और आ गया है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, ये किसका कथन है? ए भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी अभिनव गुप्त या डी मम्मट। तो ये पंक्ति है अभिनव गुप्त जी की। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आज का 11वां प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? देखिए काफी प्रसिद्ध नाटककार है। ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जो मोहन राकेश के में नाटक है वो तीनों है, तो हमारा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो देखिए तभी क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके ऑप्शन भी सभी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें लगे कि एक है तो उसी में कर ले जल्दीबाजी में, तो ये गलत है। तो हमें सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, और यहाँ पर क्या है उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिए आधे अधूरे भी इनका जो नाटक है, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है महेंद्रनाथ और उनकी पत्नी सावित्री, काफी प्रसिद्ध इनकी रचना है आधे अधूरे। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन है और लहरों के राजहंस है। तो देखिए आषाढ़ का एक दिन, ये जो हमारे महाकवि हैं कालिदास जी उन पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित है ये उनका नाटक आषाढ़ का एक दिन। और इसके साथ देखिए मल्लिका, इसका एक पात्र है, कई बार पूछा जाता है मल्लिका, वो भी इसी की पात्र है। और तीसरी एक और है इनका नाटक लहरों के राजहंस, तो काफी प्रसिद्ध है, ये आप जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? ए राग दरबारी, बी मैला आंचल, सी रतिनाथ की चाची या डी ये सभी। तो इनका जो आंचलिक उपन्यास है उसका नाम है मैला आंचल, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, और आपको बता दिया गया था कि इसमें क्या है, बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कहानी है। इसके अलावा राग दरबारी ये किसकी है? श्री लाल शुक्ल जी की। किसकी है? श्री लाल शुक्ल जी की। और देखिए राग दरबारी का स्थान पूछा जाता है कहाँ की है, तो इसमें है शिवपालगंज, शिवपालगंज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिवपालगंज इस स्थान का वर्णन किस उपन्यास में है, तो वो किसमें? राग दरबारी में। इसके अलावा रतिनाथ की चाची ये किसकी रचना है? ये है नागार्जुन जी की। किसके? नागार्जुन जी की। नागार्जुन जिनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, तो नागार्जुन ने लिखा था रतिनाथ की चाची। तो हमारा आंसर है मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। अगला है देखिए काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है अगला, तुम चंदनम पानी किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिए तुम चंदनम पानी ये निबंध है किसका है? ए विद्यानिवास निवास मिश्र, बी कुबेरनाथ राय, सी विवेकी राय या डी अज्ञेय। तो ये है निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का तुम चंदनम पानी। अब देखिए कंफ्यूज कैसे होते हैं, कई बार पूछा जाता है प्रभु जी तुम चंदनम पानी, प्रभु जी तुम चंदनम पानी, तुम चंदनम पानी, ये किसकी पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है? ये किसकी है? रविदास जी की, रविदास जी या रैदास जी, ठीक है। ये किसके गुरु थे? ये मीराबाई जी के गुरु थे, रविदास जी या रैदास जी। तो उनके देखिए एनसीईआरटी में ये आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
और जो रैदास जी हैं या रविदास जी हैं, ये कबीरदास जी के जो 12 शिष्य हैं, कबीरदास जी के कुल कितने शिष्य हैं, प्रमुख 12 शिष्य हैं, उनमें रैदास भी शामिल हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति है रविदास या रैदास जी की, और तुम चंदन हम पानी ये उपन्यास, ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 14वां, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा। देखिए काफी प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि है सूरदास, तो पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें किसने कहा, ए वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी हिथरीवंश या डी गोरखनाथ। कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है बी विट्ठलनाथ। देखिए विट्ठलनाथ काफी इनके बारे में पूछा भी जाता है, तो आपने सुना होगा अष्टछाप, कृष्ण भक्त कवि 8 जो थे, तो अष्टछाप की स्थापना किसने की, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने, और विट्ठलनाथ जी ने कब की, 1565 में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने ही सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किया, और जो आपके अष्टछाप कवि थे उनमें से 4 वल्लभाचार्य थे और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, और 8 के 8 कवियों के नाम भी आप याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए अज्ञेय, बी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए फुटकर कवित्वों का संग्रह रामचंद्र का किसने कहा था, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने रामचंद्रिका को क्या कहा था, फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा था। इसके अलावा देखिए जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, तो इन्होंने रामचंद्रिका को क्या कहा, छंदों का अजायब घर, क्या कहा था, छंदों का अजायब घर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उन्होंने केशवदास जी को क्या कहा, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत। तो देखिए जो भी नाम है, जो भी दिए गए हैं, तो वो सब आपको याद होने चाहिए, किसने दिए ये भी याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स हिंदी प्रश्नोत्तर के बाद अब आपके अभ्यास के लिए यहां पर मैं 3 प्रश्न लेकर आया हूं, जिनका आप उत्तर कमेंट के माध्यम से देंगे। तो ये प्रश्न है आपका 16 प्रश्न है, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर है, किसका कथन है, ए प्रोफेसर वासुदेव सिंह, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो जो भी सही आंसर है वो कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जायसिंह की किस कृति में कयामत का वर्णन है, कयामत यानी प्रलय उसका वर्णन है, ए पद्मावत, बी अथरावट, सी आखिरी कलाम या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये नेट की परीक्षा में पूछा गया है और LT या ग्रुप सी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 18वां, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, वाणी का डिक्टेटर देखिए बहुत बार पूछा गया है ग्रुप सी में भी और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका देखिए ऑप्शन है आपके सामने, ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो किसने कहा वाणी का डिक्टेटर, आप कमेंट के माध्यम से ये बताइए। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी प्रश्नोत्तर का 5वां भाग, उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो का समापन करने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर नए व्यूअर्स जो LT भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ, जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज भी उन तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू।